हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं हूं सोमनाथ पटने, हिंदी अध्यापक संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से। आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है वचन। तो आइए हम वचन के बारे में जानकारी लेंगे। वचन की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। वचन की परिभाषा इस प्रकार है, देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जहां अकारांत और आकारांत शब्द के अंत में बहुवचन बनाते समय ए जुड़ जाता है, वहां एक वचन में बदलाव होकर वह बहुवचन बन जाता है। देखिए यहां जुड़कर बहुवचन बन जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार ए बनता है। देखिए, जैसे आंख, आंखें, कन्या, कन्याएं, हम ए लगाए कन्याएं, दवार, दीवार, दीवारे, कथा, कथाएं, आवाज, आवाजे, महिला, महिलाएं, रानी, रानियां, बहू, बहुएं, पुस्तक, पुस्तके, शक्ति, शक्तियां। इस प्रकार हमने एक वचन का बहुवचन रूप देखा। जैसे कि अभी एक बार दोहरा दूं, आंख, आंखें, कन्या, कन्याएं, दीवार, दीवारे, कथा, कथाएं, आवाज, आवाजे, महिला, महिलाएं, रानी, रानियां, बहू, बहुएं, पुस्तक, पुस्तके, शक्ति, शक्तियां। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे सब्जी, सब्जियां, मछली, मछलियां। यहां पर चित्र में आप देख रहे हो, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही है। मछली का मछलियां हो गया, सब्जी का सब्जियां हो गया। बच्चा, बच्चे, पौधा, पौधे। देखिए यहां पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वैसे माली पौधे सींच रहा है, पौधों को पानी डाल रहा है। पौधा, पौधे यहां पर हो गया है ना। आगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। लड़की, लड़कियां। देखिए, लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही है। यहां पर ये आप जो देख रहे हैं ये एक वचन का रूप है और एक बहुवचन का रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। कपड़ा, कपड़े। देखिए यहां पर यह कपड़ा सुंदर है, ये कपड़े सुंदर हैं। चित्र के माध्यम से जोकर का जोकर ही रहेगा, गुब्बारा, गुब्बारे। देखिए जोकर खेल दिखा रहा है, जोकर खेल दिखा रहे हैं। गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारे उड़ रहे हैं। जोकर का जोकर रहता है, गुब्बारा का गुब्बारे होता है। तो बहुवचन देखिए यहाँ पर बहुवचन की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, शब्द का वह रूप जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध कराता है वह बहुवचन कहलाता है। देखिए, शब्द का वह रूप
जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। तो बहुवचन के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लड़कियां खड़ी हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, हाथी गन्ने खा रहा है, गन्ने, लड़कियां, बच्चे, पत्ते, ये क्या है? बहुवचन के रूप है। जैसे और उदाहरण देखिए, नदियां बह रही है, नदी, नदियां। कमला ने मालाएं पहनी है, माला का मालाएं हो गया यहाँ पर। मेजों पर देखिए, मेजों पर कलमें रखी है, कलम का कलमें। उसके बाद दादी कहानियां सुना रही है, यहाँ पर कहानी का कहानियां, यह रूप हो गया। तो इस प्रकार एकवचन का बहुवचन बनता है। यहां पर देखिए, कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है, कमल का कमल ही रहेगा। और कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे अकारांत शब्दों के अंत में ए जुड़ता जुड़कर बहुवचन बनता है। जैसे कलम, कलमे, पुस्तक, पुस्तके, रात, राती। बात, बाते, है ना? कमीज, कमीजे। उसके बाद सौगात, सौगाते। बहन, बहने। सड़क, सड़के। मूछ, मूछे। आंख, आंखे, है ना? आंख का आंखे। फौज, फौजे। भैंस, भैंसे। दीवार, दीवारे। चप्पल, चप्पले। पतंग, पतंगे। राह, राहें। पलक, पलके। इस प्रकार भी कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक वचन और बहुवचन, देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे लड़का, लड़के। घड़ा, घड़े। केला, केले। मुर्गा, मुर्गे। कोआ, कोए। गल्ला, गल्ले। भाला, भाले। तारा, तारे। उसके बाद मेला, मेले। बच्चा, बच्चे। रास्ता, रास्ते। तालाब, तालाबे, सॉरी, ताला, ताले। उसके बाद में कुर्ता, कुर्ते। पंखा, पंखे। तोता, तोते। रुपया, रुपये। सोना, सोने। गाना, गाने। छाता, छाते। जूता, जूते। नाला, नाले। काला, काले। गन्ना, गन्ने। गमला, गमले। इस प्रकार एकवचन के बहुवचन रूप हमने देखे। और कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कथा, कथाएं। माला, माता, माताएं। शाखा, शाखाएं। चिंता, चिंताएं। कन्या, कन्याएं। पाठशाला, पाठशालाएं। लेखिका, लेखिकाएं। उसके बाद में कला, कलाएं। माला, मालाएं। भाषा, भाषाएं। सभा, सभाएं। बालिका, बालिकाएं। लता, लताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। इस प्रकार भी हमने एकवचन से बहुवचन होने वाले रूप देखे। और कुछ रूप देखेंगे, जैसे कली, कलियां। पूरी, पूरियां। मछली, मछलियां। कमी, कमियां। नाली, नालियां। कुर्सी, कुर्सियां। शक्ति, शक्तियां। पंक्ति, पंक्तियां। चाबी, चाबियां। साड़ी, साड़ियां। और कुछ उदाहरण, छुट्टी, छुट्टियां। रानी, रानियां। रस्सी, रस्सियां। बकरी, बकरियां। संधि, संधियां। जाति, जातियां। प्रति, प्रतियां। लिपि, लिपियां।
सखी सखियां, टोपी टोपियां। तो आज के सेशन में हमने ये सब कुछ देखा, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।